देखिए कक्षा 8वीं का गणित का सवाल दिया, प्रश्नावली 1.1 और प्रश्न संख्या आपका 4। यहाँ पे बोल रहा है 5/18 को -7/72 के व्युत्क्रम से गुणा कीजिए, तो क्या करना है आपको? तो 4 में यहाँ पे बोल रहा है 5/18 को -7/72 के व्युत्क्रम से गुणा कीजिए, ठीक है? तो 5/18 को 5/18 लिख लेंगे, ठीक है, और इसको गुणा करना है व्युत्क्रम, -7/72 का व्युत्क्रम करके गुणा करना है। तो गुणा का चिन्ह इसका व्युत्क्रम करेंगे तो हर अंश के पास चला जाएगा और अंश हर के पास चला जाएगा, तो ये हो जाएगा 72/-7, ठीक है? इसको कटा देंगे, 18 कम 18, 18 चौके ये हो गया 72। 5 को 4 में गुना करेंगे तो हो जाएगा 20, और 1 को -7 में गुना करेंगे तो ये हो जाएगा -7। अब देखिए ये माइनस का चिन्ह जो है अंश 20 के पास चला जाएगा, तो ये हो जाएगा -20/7, ये हो गया आपका आंसर। अब देखिए यहाँ पे 5 में दिया है, क्वेश्चन नंबर 5 में -1/3 × कोष्टक के अंदर दिया है 1/2 + 1/4, फिर बराबर का चिन्ह, फिर दिया है -1/3 × 1/2 कोष्टक के अंदर है, फिर प्लस का चिन्ह, फिर कोष्टक के अंदर दिया है -1/3 × 1/4 के रूप में कौन सा गुण धर्म है बताइए। तो इसका उत्तर यहाँ पे लिखेंगे, यहाँ पे उत्तर इसका हम लिखेंगे जोड़ जोड़ पर गुना के वितरण का गुण धर्म है, ठीक है? इसका लिख लेंगे वितरण नियम। देखिए क्वेश्चन नंबर 6 में आपको बोल रहा है क्या -1/1/8 का गुणात्मक प्रतिलोम 8/9 है, कारण सहित लिखिए। तो सबसे पहले गुणात्मक प्रतिलोम समझेंगे किसे कहते हैं। तो देखिए जब दो संख्याओं का गुणनफल एक आता है, यानी कि प्लस का एक आता है, तो उसे हम गुणात्मक प्रतिलोम कहते हैं, ठीक है? तो जैसे कि यहाँ पे आपको दिया है -1/1/8 गुने 8/9, ठीक है? इसका क्या करेंगे, इसको हम गुना करेंगे, गुना करके चेक करेंगे, अगर एक आएगा तो 8/9 क्या कहलाएगा, -1/1/8 का गुणात्मक प्रतिलोम 8/9 कहलाएगा, अगर एक आएगा तब गुणनफल, ठीक है? तो 8 एकम 8, 8 को -1 में गुना करेंगे तो -8 आएगा, फिर एक इसमें जोड़ देंगे तो ये हो जाएगा -9, बट्टे में हो जाएगा 8, ठीक है? फिर ये दिया है आपको 8/9, तो इसको लिख लेंगे 8/9, ये 8 से 8 कट जाएगा, 8 एकम 8 एकम, फिर 9 से ये कट जाएगा 9, तो ये हो गया -1, ठीक है? तो देखिए -1 को 1 में गुना करेंगे तो आएगा -1, 1 को ये 1 में गुना करेंगे तो आएगा 1, 1 से -1 में भाग देंगे तो आएगा -1। तो हम क्या बताए थे कि जब दो संख्याओं को गुना करते हैं तो उसका गुणनफल प्लस का एक आता है, ठीक है? अगर एक आता है प्लस का तो वो क्या कहलाता है, गुणात्मक प्रतिलोम कहलाता है। तो यहाँ पे -1 आ रहा है, ठीक है, गुणनफल -1 आ रहा, तो यहाँ पे हम लिखेंगे -1/1/8 का गुणात्मक प्रतिलोम 8/9 नहीं है, ठीक है?